हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। अब वर्ड में हम टेबल बनाना सीखेंगे। अब टेबल बनाने में ऐसी क्या खास बात है? टेबल बनाना तो बड़ा आसान है, तो फिर इसको मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको? चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर छोटा सा टेबल मैंने बनाया है, इसी टेबल को देखिए, जिसमें तीन कॉलम्स हैं और दो रोज हैं। तो अभी हम इसमें कुछ टाइप करने वाले हैं, ठीक है? बहुत छोटा सा है, टाइप कैसे होगा यही सोच रहे होंगे, तो चलिए टाइप करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ नेम, एन ए एम ई, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा ऑफ और यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट। तो जैसे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर गया, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर्स नेम, ये लिख दिया फादर्स और फिर लिख दिया नेम, तो ये हो गया फादर्स नेम, तो ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर गया। अब यहाँ पर भी कुछ लिख लेता हूँ, लाइक क्लास लिख लेता हूँ, ठीक है, या सिटी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया सिटी, तो ये भी एडजस्ट कर गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, ये देखिए यहाँ पर ये भी तो है छोटा, तो यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने नेम, फिर लिखा ऑफ, फिर लिखा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये स्टूडेंट जो है नीचे आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जा रहा है। तो ऐसा क्या खास है इस वाले में कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है? तो चलिए ये समझते हैं, हटा देता हूँ, ठीक है। आइए एक बार टेबल बनाते हैं। तो इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ से टेबल पे आते हैं और ये टेबल बना लेते हैं, तीन रो तीन कॉलम वाली। तो ये टेबल हमने बना लिया, अब हमको इसको सिलेक्शन में लेना है और कहाँ चले जाना है, लेआउट टैब पे जाना है। तो ये लेआउट टैब पे आ गए, ये देख सकते हैं। तो लेआउट टैब पे जाने पे तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो फिर लेआउट टैब का क्या मतलब बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है। ये जो दिखाई पड़ रहा है गोल सा चौकोर सा जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कर्सर को ले जाने पे या कर्सर का शेप बदल जाता है, तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया तो आपको अलग से एक लेआउट दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अलग से लेआउट दिखाई पड़ रहा है, तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऑटो फिट पे आना है। ऑटो फिट पर आने के बाद आपको ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो काम हो गया। अब जो है अगर यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना है नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे लिखा मैंने नेम, अब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता चलेगा, SCHOOL, नेम ऑफ स्कूल लिख दिया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर गया। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का ये तरीका है, ये वे है जिससे आप ऑटोमेटिकली कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं ऑल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।